अभी थोड़ा पहले हाँ अनुभव और भूख का अनुभव, क्योंकि हम सभी अभी बाबा की याद में बैठे थे। किस प्रकार अनुभव हो रहा था, अनुभव की बात बाबा की सुनाऊंगी, फिर बाबा की मुरली हम सभी सुनेंगे। तो आज विशेष सद गुरुवार का दिन विशेष कहें बाबा हम बच्चों को दूर बैठी भी वह सकाश का अनुभव बाबा हम बच्चों को करा रहे। भोग लग रहा था, गीत सुन रही थी, सवेरे भी भोग लगाया, यही दो गीत चल रहे थे और मैं अनुभव कर रही थी कि हम सूक्ष्म लोक में किस प्रकार बुद्धि योग के द्वारा जा सकते हैं और एक दूसरे से किस प्रकार मिलन मना सकते हैं। मैं समझ से 2-3 मास पहले हमारी आसाम की बड़ी बहन ने शरीर छोड़ा था और मई मास से अप्रैल मास था, तो कोरोना के कारण तो जा नहीं सके। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि हम भी भोग रखेंगे और आप भी वहाँ उन आत्मा के निमित्त, क्योंकि ज्ञान में वो 1968 से चली, 63 ईयर्स उनको ज्ञान में हो गए, तो इसलिए उनके निमित्त हम यहाँ बैठे बाबा के कमरे में। उन्होंने भी अपनी हॉल में सभा के बीच भोग रखा था, मैंने बैठी थी निमित्त उनके साथ की। तो उस दिन भी हमने भोग लगाया और बाबा ने उस दिन बहुत अच्छा भी संदेश यहाँ दूर बैठे भी अनुभव किया। उन सभी ने भी वो अनुभव सुना भी। तो आज भी आप सभी के सम्मुख ऐसा अनुभव होता है कि जिस प्रकार हम लोग जब ज्ञान में आए छोटे थे, 1958 में हम ज्ञान में चले, छोटे थे, 7-8 साल की उम्र थी, तो उस समय बहने हम लोग को योग में, उस समय योग शब्द नहीं कहती थी, निष्ठा शब्द कहती, निष्ठा में बिठाओ, योग कराओ ऐसा नहीं कह, निष्ठा में बिठाओ, माना बाबा को याद करना। तो उस समय एक दूसरे के सामने बैठकर योग की दृष्टि देना और लेना, जिसको कहे योग का अनुभव आदान प्रदान के रूप में हम लोग करते थे। और उस समय भी उड़ती कला का, उड़ने का अनुभव होता था हमें। बहनें भी इतनी पावरफुल दृष्टियां दादियां देती थी, तो हम उस नशे में, उस समय आज से 50-60 साल पहले की बात सुना रही, तो उस समय भी वो नशा
वो खुमारी उस समय भी चढ़ती थी। इतनी दादियों की पावरफुल दृष्टि हम सभी को मिलती थी। कभी योग में बैठे तो वही दृश्य सीन सामने आने लगा। आप लोग भी इतने दूर सात समुंदर पार बैठे हैं, हम भी बाबा के घर मधुबन में बैठे हैं। पर बाबा ने कितना सुंदर हम सभी को संगम युग पर यह बाबा कहे आत्मिक दृष्टि का आत्मा द्वारा रूहान करने का एक मुलाकात का बाबा ने इतना अच्छा साधन साइंस का दिया है, जिसके द्वारा हम आप हमको भी देख रहे हैं, हम आपको भी देख रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। तो आज भी सवेरे भोग लगाया था, अभी भी लगाया है, दूर बैठे भी अनुभव कर रही थी। सवेरे भी बाबा को उन भाई बहनों की विशेष बाबा को याद दी, विशेष हमारी कहे कला बहन, रमेश भाई, रमन भाई, किरीट भाई और सतीश भाई, ज्योत्सना बहन, श्रीनिवास भाई, ब्रिजमोहन भाई और भी एक दो के नाम हैं। तो हमने आज विशेष सवेरे अमृत वेले भी 4 बजे उठे, तब भी बाबा के आगे उन भाई बहनों की याद रखी। याद रखने के साथ बाबा वो जब भोग लगाते हैं तो बाबा उन बच्चों को इमर्ज कर लेते हैं। तो बाबा ने भी उन्हें सवेरे के समय भी भोग लगाते समय उन्हें इमर्ज करते मधुबन का भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि यह भी बच्चों की बड़ी मन की भावना होती है और बाप तो अपने बच्चों को कहीं भी किसी भी रूप में किसी भी स्थान के और किसी भी स्थान से बच्चों की याद को बाबा स्वीकार कर लेता है। तो ऐसे सवेरे भी बाबा ने जिन भी भाई बहनों के निमित्त विशेष याद थी बाबा को याद दी। और बाबा भी ऐसे लगता कभी कभी वतन में अपने बच्चों को, स्नेही बच्चे, सहयोगी बच्चों को बहुत दिल का प्यार, दिल की याद देते हैं। वैसे सवेरे हमें अनुभव हो रहा था, मैंने सुनाया भी था कि विदेश के बच्चों ने भी याद दिए बाबा को कहा और बाबा ने भी उसी रीति से इमर्ज करते उन्हें प्यार से भोग स्वीकार कराया मधुबन का। तो यह था थोड़ा सा बाबा का संदेश और अभी का अनुभव योग का, भोग का, वह भी हमने आप सभी के आगे शेयर किया। अभी हम बाबा की मुरली सुनेंगे सदगुरु बार की, जो बाबा ने आज विशेष वृक्षपति बाप जो है, हम कहें सतगुरु भी हमारा, बाबा के साथ तो तीनों ही संबंध है, विशेष बाप टीचर सतगुरु का, तो उस संबंध की विशेष बहुत प्यार भरी मुरली है बाबा की आज, कि किस प्रकार बाबा अपने बच्चों को, कैसी भी आत्माएं होती हैं बाबा उन्हें कैसे पत्थर से पारस बना देता, इस चीज का अनुभव तो हम सभी
अपने आप में भी आप सभी करते होंगे कि सचमुच में बाबा के बने ज्ञान मिला। बाबा ने हमारी जैसे कि दुनिया ही हमारे संस्कार, हमारे विचार, हमारे आचरण एकदम बदल दिए। मैं तो अपने आप में बहुत ही खुशी में समझती हूँ कि सचमुच में भगवान ने संगम के समय हम बच्चों को कितना नाऊंचा भाग्य दिया है और अपने स्थान पर अपनी छत्र छाया के रूप में बाबा ने हमें अपनी गोद में बिठाया है। ऐसा मैं हर समय हर घड़ी अपने को महसूस ताकि शक्ति में आकर बहुत खुशी में रहती हूँ। तो आज है बाबा की, है प्यारे बाबा की 15/7 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार है मीठे बच्चे तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। बाबा हम बच्चों से कुछ मांगता नहीं है, बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, वही बाबा हम बच्चों से मांगते हैं। तुम विकारों का दान दे दो, राहु का ग्रहण उतर जाएगा। इसलिए कहते दे दान तो झूठे हैं, झूठे ग्रहण। भारत में जब ग्रहण लगता है तो विशेष लोग दान मांगने के लिए घर घर में जाते हैं कि ग्रहण लगा है तो कुछ आप दान दे दो, कपड़ा दे दो, अनाज दे दो, पैसा दे दो। तो बाबा भी हम बच्चों से कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। प्रश्न है अभी, वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर, इसमें ऐसा नहीं आप सोचे सिर्फ भारत में बैठे उनको बाबा कह रहे हैं, पर आप सभी भी भारत के बच्चे, भले सेवा था अमेरिका में बैठी हैं, कोई कहाँ पर बैठा है, पर है तो भारत की गई हुई आत्मा है जो बाबा हमें अभी स्मृति दिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर है, हे भारतवासी बच्चे, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। बाबा स्मृति दिलाते हैं, तुम मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए, ग्रहण लग गया। काम चिता पर बैठ विकारों की छाया पड़ने के कारण बाबा कहते ग्रहण लग गया। अब मैं तुम्हें फिर से बुरा बनाने आया हूँ। यह स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बाबा कहते बैठ जाती। आज की मुरली का गीत बजा है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। यह महिमा किसकी सुनी? बेहद के बाप की। ऊंच से ऊंच बाप परम पिता परमात्मा ही है। लौकिक बाप के लिए तो सब ऐसे नहीं कहते, लौकिक बाप की ऐसी महिमा कर नहीं सकते। बच्चे जानते हैं सब आत्मा का परलौकिक बाप है, वह ऊंच है, उनका नाम है शिव।
बगैर नाम रूप के कोई भी चीज होती नहीं। शिव बाबा का असली नाम तो है शिव, तो बाबा कहते बगैर नाम रूप के कोई चीज होती नहीं। इस समय सबको राहु का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए इनको आयरन एजेड वर्ल्ड कहा जाता है। दशाएं भी होती है ना दुनिया में, दशाओं का भारत में तो बड़ा महत्व है। आज इसके ऊपर राहु की दशा, आज बृहस्पति की दशा है, कभी शुक्र की दशा है, ऐसे बहुत प्रचार है। तो बाबा कहते दशाएं भी होती हैं, बृहस्पति की दशा, शुक्र की दशा, अब तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, राहु की दशा उतर है। बाबा कहते बृहस्पति की दशा है, जिसकी महिमा सुने ऊंच भगवान शिव बाबा, उनका असल नाम है शिव। बाकी किस्म किस्म के नाम रख दिए हैं, पर असली नाम है शिव बाबा। बाप समझाते हैं, मैं बीज रूप चैतन्य हूँ, सच चित कहते हैं, फिर कहते हैं सुख का सागर। शिव बाबा की महिमा भी गाते हैं ना, सुख का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर। महिमा सारी उस एक की है, भारतवासी महिमा गाते हैं परंतु समझते नहीं। महिमा इतनी शिव बाबा की गाते हैं, अभी एक मास के बाद विशेष सावन मास लगेगा और भारत में तो जितने शिव के मंदिर होंगे सवेरे से उस मंदिरों में भीड़ लगती है। अभी तो लॉकडाउन है, फिर भी पहले से काफ़ी कम है, फिर भी हम देखते हैं रात रात भर लोग शिव के मंदिर के आगे लाइन घंटों लगा के उसके ऊपर जल लोटा डालते हैं। अभी चार दिनों के बाद जैसे सावन मास लग जाएगा, तो बाबा कहते हैं भारतवासी महिमा गाते हैं परंतु समझते कुछ नहीं, एकदम पत्थर बुद्धि हो गए हैं। पत्थर बुद्धि किसने बनाया? रावण ने। सत्यु में भारतवासी पारस बुद्धि थे। आज से 5000 वर्ष पहले ये भारत पारसपुरी था, जिसमें देवी देवता रहते हैं। बाबा याद दिलाते हैं, जिसमें देवी देवता रहते थे। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है, भारत में ही पारस बुद्धि देवता थे। इस समय पत्थर बुद्धि बाबा कहते पतित बनी है। पतित कैसे बनते हैं यह भी बाप ने समझाया है। वापर से जब काम चिता पर बैठे हैं तो बाबा कहते काले बन जाते हैं। काम अग्नि में सब भस्म हो गए हैं, उसमें भी खास भारत की बात, खास विशेष बाबा कहते भारतवासी बाबा के बच्चे एकदम पतित काले हो गए, तभी तो बाबा गोरा बनाता है। भारत में पारस बुद्धि देवताओं का राज था, उनको विष्णुपुरी रामराज भी कहा जाता है। ये बाप आकर बताते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे, जब तुम सत्व में थे तो सर्वम संपन्न थे, यह तुम्हारी महिमा है। वहाँ विकार होते नहीं, सत्व में बाबा कहते विकार होते नहीं। द्वापर से रावण 5 विकारों का राज शुरू होता है, राम राज बदल कर रावण राज होता है। अभी ग्रहण लगा हुआ है, बिल्कुल ही भारत बाबा कहते काला हो गया, ऐसी छाया माया की लगी है जो बाबा कहते काला हो गया भारत। बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी होती है, भारत पर बृहस्पति की दशा सत्य में, त्रेता में शुक्र की दशा, फिर दो कला कम हो गई,
उसको कहा जाता है सिल्वर एज। फिर द्वापर कलयुग आया, सीढ़ी उतरते आए, शनिचर की दशा हुई। इस समय सब पर बाबा कहते राहु की दशा। राहु की दशा दुनिया में बहुत खराब मानते हैं। तो बाबा कहते दुनिया में है इस समय राहु की दशा है। सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं ना कि दे दान को छूटे ग्रहण। अब रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं, यह है रूहानी ज्ञान, यह कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। शास्त्रों के ज्ञान को भक्ति कहा जाता है। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं, ज्ञान और भक्ति। फिर है बाबा कहते वैराग्य। इस पुरानी दुनिया को छोड़ना होता है, यह है शूद्र वर्ण। विराट रूप में दिखाते हैं ना ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य। पहले चित्र ये वर्ण का विराट रूप का चित्र होता था और उसमें बहुत अच्छी समझानी देती थी कि पहले कैसे हम ब्राह्मण थे और फिर देवता बने, फिर क्षत्रिय में आए, फिर शूद्र बने, जब एकदम नीचे आए। तो बाबा कहते भारत की कहानी है। विराट रूप बनाते भी हैं परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं। पत्थर बुद्धि क्यों है? बाबा कहते क्योंकि पतित है। भारतवासी पारस बुद्धि थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। आज से 5 वर्ष पहले बाबा कहते भारत स्वर्ग था। बाबा स्मृति दिलाते हैं कि हम बाबा के बच्चे 5 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, वहां थे हैं देवी देवता रूप में। आज से 5 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई खंड नहीं था। ये बाप समझाते हैं। यह राजयोग कौन सिखाती है? शिवाचार्य। यह है ज्ञान का सागर। कोई मनुष्य को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। सर्व का पतित पावन भी नहीं कह सकते। सर्व का लिबरेटर एक ही बाप है ना। बाप खुद आकर कहते हैं दुख में रावण से लिबरेट करने, फिर गाइड बन ले जाते हैं। बाबा खुद आकर बच्चों को कहते हैं दुख में रावण से लिबरेट करने, फिर गाइड बन में ले जाते हैं। उनको रूहानी पंडा भी कहा जाता है। तो बाप कहते हैं मैं तुम सर्व आत्माओं का पंडा हूँ, सबको ले जाने के लिए आए ना। बाबा कई बार कहते हैं ना, तुम चाहो ना चाहो, मानो ना मानो, पर मैं तुम सबको ले जाऊंगा, ले जाने के लिए आया है। इसलिए बाबा हम बच्चों को अपने घर की परम धाम शांति धाम नई दुनिया की स्मृति बीच बीच में दिलाते रहते। तो बाबा कहती हैं मैं सर्व आत्माओं का पंडा हूँ, सबको वापस ले जाऊँ, मेरे जैसा गाइड कोई होता नहीं। इसलिए कहते भी हैं गॉड फादर इज लिबरेटर, गाइड है, ब्लिसफुल है, सबके ऊपर रहम करती है। क्योंकि सब सागर के बच्चे काम चिता पर जल मरे। इसके बीच में हमको एक पुरानी बात, 50-60 साल पहले का एक चित्र याद आता है। तब प्रदर्शनी का सेट तो एक ही था, 10-12 चित्र थे। तो उसमें एक चित्र था कि सभी धर्म की आत्माएं एक दलदल, जैसे कीचड़ होता है ना किचड़ा, और उसमें सभी आत्माएं फंस गई हैं दलदल में, और सभी हाथ दोनों कर रहे हैं
भगवान को याद करके पुकार रहे, हमको निकालो, हमको बचाओ। और ऊपर में शिव बाबा का हाथ, किरणों वाला उस समय चित्र होता था तो बाबा का हाथ दिखाते थे, नीचे से मनुष्य आत्मा का हाथ और ऊपर से बाबा का हाथ होता था कि बाबा अपने बच्चों को किस प्रकार पुरानी दुनिया के दलदल से, कीचड़ से बाबा निकालते हैं। ये 50-60 साल पहले का चित्र इस प्रकार था। तो बाबा कहते थे मैं तुम बच्चों को ऐसी दलदल से, ऐसी दुख की दुनिया से निकालता हूँ और निकालने के लिए आया। तो बाबा कहते इसलिए आज क्योंकि तुम सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे, उसमें भी खास भारत की बात। तो बाप कहते हैं तुम 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी थी, अब काम चिता पर बैठ तुम क्या बन गई है। अब फिर से बाप आए हैं, बृहस्पति बाप आकर मनुष्य मार्ग पर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं ना, खास भारत पर, आम विश्व पर। इस समय बाबा कहते राहु का ग्रहण लगा हुआ है ना, अभी तो ग्रहण दिखाई देता है ना, कैसी दुनिया की हालत, कैसी परिस्थिति। आज भी बाबा ने सवेरे भूख के संदेश में यह कहा कि दुनिया के ऊपर तो दुख के पहाड़ है, पर आप बच्चों के ऊपर फिर भी बाबा की छत्र छाया है, उस छत्र छाया के अंदर आप बच्चे फिर भी सुखी हैं, फिर भी बच्चों को बाप का साथ और हाथ रखा हुआ है सिर के ऊपर। तो इसलिए हम लोग जब अपने आप से नीचे लोगों को देखते, आत्मा को, तो सचमुच में दुनिया की आत्मा, दुनिया के बच्चे कितना इस कोरोना काल में, कितने घर, कितने परिवार बिछुड़ गए, दुखी हो गए हैं, घर के घर खाली हो गए, छोटे बच्चे रह गए। तो इसलिए बाबा भी कहते हैं कि ये समय ऐसा जैसे कि राहु का ग्रहण लगा हुआ। तो बाप कहते मैं आकर भारत की खास दुनिया की आम सद्गति करता हूँ, तुम ये आए हो पारस बुद्धि बनने, मोक्ष बिल्वे बाप आया हुआ है, सब आसुकों का मासुक एक ही है, सब नेशन में लिंग जरूर बनाते हैं, सभी धर्म की आत्माएं बाबा का लिंग जरूर गोल आकार में बनाती है और उसी रीति से याद करती है। 2-3 दिन पहले भी मुरली में बाबा ने कहा कि देखो जो बहुत पैसे वाले धनवान होते तो लाखों शालिग्राम बनाते हैं, कोई छोटा होता है, कोई साधारण होता है तो 10-20-5 हजार शालिग्राम बनाएगा, पर उसमें एक विशेष शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। तो आज भी बाबा कहते हैं सब नेशन में लिंग जरूर बनाते हैं क्योंकि सबका बाप है ना, शिव के मंदिर में भारत, शिव के मंदिर भारत में बहुत, जिसको शिवालय कहते हैं, रहने का स्थान है। सत्य में देवी देवता धर्म के मनुष्य, परंतु धर्म कब था, उनों का राज्य कब था यह पता नहीं, सत्य की आयु लंबी लिखी है। तो बाप व्यर्थ समझाते हैं तुम्हारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा बैठ रही है, 21 जन्मों के लिए बृहस्पति है ज्ञान सागर, पतित पावन जिसको सब पुकारते हैं ना, तो मात पिता हम बालक थे, सभी याद करते हैं यह कहकर, सब उनकी महिमा करते हैं, बरोबर सत्य त्रेता में सुख घनेरे थे, जब बाप हेवनली गार्ड फादर है, स्वर्गता रचिता है, तो जरूर हम भी स्वर्ग में होने चाहिए। तो बाप भी समझाते हैं तुम स्वर्गवासी थे, अब नर्कवासी बने हैं,
भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का गायन भारत में था। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो बाप स्थापन करते हैं, जैसे कृष्ण धर्म के हैं वह कृष्ण धर्म में चले जाते हैं, तो बाप कहते हैं तुम देवी देवता धर्म वाले अपने धर्म को क्यों भूल गए, जबकि तुम देवी देवता धर्म के हैं ना। बाबा स्मृति दिलाते हैं हमें अपने स्वधर्म की, बाप स्मृति दिलाते हैं तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ धर्म कर्म था, अभी तुम नीच पापी कंगाल बन गए हैं, नीचे आए तो पतित बन गए। तुम हो देवताओं के पुजारी, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हैं, भारत का यह क्या हाल हो गया। बाबा कहते भारत का यह क्या हाल हो गया, जो देवता धर्म के है वह भिखारी बनने के कारण आपको अपने को देवता कहला नहीं सकते, कोई अपने को देवी देवता नहीं कहलाते, कहला नहीं सकते। तो बाप कहते हैं अभी इस पतित दुनिया का अंत है, माँ भारत लड़ाई भी खड़ी है, भगवानों वाच है ना, हम तुमको सत्य के लिए राजयोग सिखाता हूँ, भगवान तो एक ही है, हम बच्चे कौन है उसके शालिग्राम, भगवान बाप है और हम बच्चे, स्मृति दिलाता हम बच्चे शालिग्राम है। तो बाप कहती है तुम जो पूज्य थे वही पुजारी भगत बन गए, अभी तो शालिग्राम कहते हैं, पर हम लोग जब ज्ञान में आए तो बहने हमें कोर्स कराती थी, ज्ञान सुनाती थी, तो उस समय इतने हम लोग के समय में कोर्स था, ज्ञान था, कहती थी आत्मा अंगुष्ठाकार है, परम धाम लाल है और शिव बाबा गोलाकार है, सुना आज से 62-63 ईयर्स पहले, बस इतने ही ज्ञान था, आत्मा का आकार कहते अंगुष्ठाकार और परम धाम लाल है और शिव गोलाकार है, ये उस समय का कोर्स होता था। बहने ज्ञान सुनाती थी, बाबा का परिचय देती थी। तो बाबा कहते हैं तुम जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन भगत बन गई, अब फिर ज्ञान लेते हैं पूज्य देवता बनने के लिए, फिर द्वापर से पूज्य सो बाबा कहते पुजारी बनेगी, तुम पूरे 84 जन्म लेते हैं ना, तुमने 84 जन्म लिए हैं वही आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना यह भी गाया हुआ है ना, प्रजा पिता ब्रह्मा के तुम बहुत बच्चे हैं, वह तो जरूरिया होने चाहिए, कितनी ढेर प्रजा है, इन ब्राह्मणों को ही देवता बनना है ना, हम बाबा के बच्चे ब्राह्मणी सो देवता बनने वाली है, बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बदल, ब्राह्मण शूद्र से बदल ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं, इस संगम पर ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, यह है ही बाबा कहते कल्याणकारी संगम, इस लड़ाई को भी कल्याणकारी कहा जाता है, सुना बाबा कई बार कहते जो समय चल रहा है वह भी क्या है, हम बाबा के बच्चों के वह भी कल्याणकारी, तो जब दुनिया की ऐसी परिस्थिति है समय है तो ऐसे समय पर हम लोगों को क्या याद आता, बाबा याद आता और कुछ याद नहीं आता, तो इसलिए विशेष
हम बच्चों को बाबा याद दिलाते हैं कि आप बच्चों के लिए यह लड़ाई यह परिस्थिति भी कल्याणकारी, क्योंकि ऐसे समय पर बाबा हम बच्चों को विशेष बल शक्ति देकर विशेष ऊंचा उठाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं लड़ाई भी आप बच्चों के लिए कल्याणकारी है। इस विनाश के बाद ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। तुम ये आए हो स्वर्गवासी बनने व विष्णुपुरी में चलने। तुम बच्चों पर अब अविनाशी बृहस्पति की दशा है। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है ना, फिर 2 कला कम हो जाती है, शुक्र की दशा आ जाती है। सत्य में बाबा कहते बृहस्पति की दशा है, फिर त्रेता में शुक्र की दशा है, फिर नीचे गेटे आए हैं ना, मंगल की, शनिचर की, राहु की दशा भी होती है ना। जन्म जन्मांतर उल्टी दशाएं फिरती आई है। अब बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। बाबा ने हम बच्चों के ऊपर बृहस्पति की दशा बिठाई है। यह बेहद का बाप ज्ञान का सागर, पतित पावन, वही तुम्हारा बाप भी है, शिक्षक भी है, और कौन है, परम सतगुरु भी है बाबा। बाकी सब झूठे हैं, इसकी सदगति नहीं कर सकते। इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड, वह वॉइसलेस वर्ल्ड। अब विशेष वर्ल्ड में सभी बहुत दुखी है ना, दुख की दुनिया है, लड़ाई मारा मारी क्या क्या हो रहा है। इसको कहा जाता है, बाबा कहते खूनी नाहक बिगर कसूर के क्या क्या करते रहते। दुनिया की बात है, दुनिया की हालत तो हम बाबा के बच्चे अच्छी तरह से समझ रहे हैं और देख रहे हैं। एक ही बाम ऐसा गिराएंगे जो झट सारे खलास हो जाए। यह वही संगम युग का समय है। तुम देवताओं के लिए फिर नई दुनिया चाहिए। तो अब बाप कहती है मीठे मीठे बच्चे मन मना भो। यह कौन से बाप ने कहा ना? बाबा स्मृति दिलाते हैं कि यह किसने कहा मीठे मीठे बच्चे मन मना भो। यह कौन से बाप ने कहा, क्या कहेंगे हम सभी, शिव बाबा ने। वह तो है ही निराकार, यूं निराकार तो तुम भी हो, परंतु बाबा कहते तुम पूर्ण जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। इस समय सब पतित है, एक भी पावन नहीं, एक भी आत्मा इस समय पावन नहीं है, पतित बन नहीं है। सतो रजो तमो में उतरना पड़े। इस समय सारा झाड़ बाबा कहते जर्जरी भूत अवस्था को पाया हुआ है, बिल्कुल दुनिया पुरानी हो गई है। अब फिर से उसको नया बनाना पड़े। नया बनाने का काम तो बाबा का है, और बाबा के साथ हम बच्चे भी इसी कार्य में सहयोगी बन के चल रहे हैं। पतित दुनिया में देखो मनुष्य कितने हैं, पावन दुनिया में बहुत थोड़े राज करते हैं। एक ही धर्म था और कोई धर्म नहीं था। भारत कोई हेवन कहा जाता है ना, इसलिए कहा जाता है घट में ही सूर्य और घट में ही चंद्रमा और सत्य में होते हैं 9 लाख तारे। ऐसे कहते 9 लाख तारे। बाबा कहते पीछे फिर वृद्धि होती जाती है। पहले पहले बहुत छोटा झाड़ होता है, कांटों का कितना बड़ा फॉरेस्ट है,
दिल्ली में मुगल गार्डन देखो कितना अच्छा है। आप लोग भी कभी आए होंगे भारत में, तो दिल्ली में ठंडी के दिनों में बाबा हमेशा कई बार मुरलियों में मुगल गार्डन की प्रशंसा करते हैं और आज भी कहते हैं बाबा कि दिल्ली में मुगल गार्डन देखो कितना अच्छा, उससे बड़ा कोई गार्डन नहीं। फॉरेस्ट देखो कितना बड़ा होता है, सचिव गार्डन भी बहुत छोटा है, फिर वृद्धि को पाते पाते बड़ा होता जाता है। कांटों का झुंड हो गया, रावण के आने से सब क्या बन गए, कांटे बन गए। रावण की दुनिया आई, रावण की प्रवेशता हुई, तो बाबा कहते सब कांटे बन गए। ये कांटों का जंगल है, आपस में लड़ते हैं, एक दो को मारते हैं, कितना क्रोध है, बंदर से भी बहतर हो जाते हैं ना। तो बाप कहते हैं मेरे लाले बच्चे तुम्हारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा है। आज बाबा ने हम बच्चों को घड़ी घड़ी स्मृति दिलाई है कि बाबा के बने हम बच्चों के ऊपर से राव की दशा खत्म हो गई, बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, क्योंकि दुनिया में भी बृहस्पति की दशा बहुत अच्छी श्रेष्ठ मानी जाती है। तो बाबा कहते इसलिए अब दे दान तो छूटे ग्रह, बुराइयों का दान देंगे तो बाबा को हमको अच्छाइयों से, गुणों से, शक्तियों से भरपूर करते हैं। संपूर्ण निर्विकारी अब यहाँ बनना है, फिर ये शरीर छोड़ जाकर शिवालय में आएंगे। शिवालय में बहुत सुख होता है ना, देवी देवताओं का राज है। शत्रु को कहा जाता है शिवालय और कलयुग को कहा जाता है वैशाल्य। अब यह वैशाल्य रावण ने स्थापन किया, अब बाप कहते हैं पति से पावन बनना है तो कैसे बनेगी। अभी बाबा की टॉपिक एकदम बदल गई कि पति से पावन बनना है तो कैसे बनेगी, क्या त्रिवेणी में गंगा में स्नान करने से पावन बनेगी। कई बार बाबा की साकार मुरली में बाबा कई बार ये बात सुनाते हैं कि चाहे पानी में स्नान करो चाहे गंगा में स्नान करो, और किसी से पावन नहीं बन सकती, सिर्फ मुझ पति पावन बाप को याद करने से ही तुम बच्चे पावन बन सकते हैं। पर भारत में तो ये रिवाज बहुत है, कोई भी पर्व आता है, कोई भी त्यौहार आता है विशेष दिन, तो दुनिया के लोग जाकर के पानी में, कोई भी थोड़ा तालाब होता है, जमुना जी होती है, गंगा जी होती है, पानी में जाकर डुबकी लगाती है, समझते हैं पानी में स्नान करेंगे तो हम पावन बन जाएंगे। तो बाबा कहते ये तो तुम बच्चे जन्म जन्मांतर करते आए हो, करोड़ों मनुष्य जाकर स्नान करते हैं, बहुत नदियां नाले तालाब आदि हैं, जहां पानी देखते हैं जाकर स्नान करते हैं, क्योंकि अपने को पति समझते हैं ना। अब पारस नाथ तुम्हारी पारस बुद्धि बना रहे हैं। बाबा फिर उसी पॉइंट पर आते हैं, अभी पारस नाथ बाप तुम्हारी बुद्धि को पारस स्वच्छ बना रहे हैं। तो ऐसे पारस नाथ बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों की माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बात की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति।
शांति। हमारी परदादी निर्मल शांता दादी मुरली सुनाती थी, तो मुरली में बाबा का नमस्ते आता है और नमस्ते के बाद परदादी हमेशा कहा करती थी, नमस्ते सदा रहो हस्ते और चलो फरिश्ते बन बाबा के पास, ऐसे करके उनका मंत्र होता। तो मुरली क्लास के बाद हमेशा फरिश्ते बनने का उड़ने का मंत्र देती थी, सुनाती। अच्छी आज की मुरली का मुख्य सार है, इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी कांटे बेकार हैं उन्हें निकाल देना है। पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है, पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है। दूसरी पॉइंट है, इस कल्याणकारी संगम पर शुद्ध से ब्राह्मण शुद्ध देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों का दान देना है, बुराइयों का दान देना है। आज की मुरली का विशेष वरदान है, संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। संगठन में एक मत एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। आगे वरदान है, संगठन में एक ने कहा दूसरे ने माना। संगठन की शक्ति की विशेषता है कि एक ने कहा दूसरे ने माना, यह है सच्चे स्नेह का रेशपान। ऐसे स्नेह बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं और भी इस प्रकार देखते हैं लोगों में एक मत है एक रस होके चलते हैं तो दूसरों को भी इस प्रकार का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो बाबा कहते संपर्क में आने के लिए भी हिम्मत रखते हैं, संगठन में भी सेवा का साधन बन जाता है ना। जहाँ माया देखती है इनकी यूनिटी अच्छी है तो घेराव है तो वह आने की हिम्मत नहीं रखती है। यूनिटी देखती है आपसी प्यार है जिगरी स्नेह है तो माया क्या करती दूर से ही चली जाती है। तो बाबा कहते हैं यूनिटी अच्छी है घेराव है तो वह आने की हिम्मत नहीं रखती है। एक मत एक रस स्थिति के संस्कार की शर्त में एक राज्य की स्थापना करती है। आज की मुरली का स्लोगन है, कर्म और योग के बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। आज विशेष हम सभी ने जून मास में भी विशेष मम्मा की धारणा युक्त शिक्षाएं बातें विशेषताएं गुण हम सभी ने सुने और विशेष अभी जुलाई मास है, जुलाई मास में भी हमारी बड़ी दीदी मन मोहिनी दीदी का भी विशेष ये जुलाई मास चल रहा है। तो हम तो ये देख रहे हैं कि ये भी कितना हम ब्राह्मण बच्चों का दूर बैठे भी बाबा अपने बच्चों की ये सूक्ष्म पालना कर रहा है कि दूर बैठे भी इतने गहरी गहरी बातें ज्ञान की गुणता ज्ञान की रमणीकता द्वारा हम बच्चों को कितना ना बाबा भरपूर कर रहा है। तो आप सभी भी जुलाई मास का रोज सुनते होंगे बहन सुनाती होगी। तो आज विशेष बड़ी दीदी के निमित्त
15 तारीख की विशेषता सुना रहे हैं। बड़ी दीदी की विशेषता हर रोज सुनते हैं तो मन बड़ा गदगद होता है, क्योंकि बड़ी दीदी की भी पालना बहुत ली है। बड़ी दीदी की मदर, क्वीन मदर की भी पालना, हमने तो सभी दादियों की बहुत पालना ली है। तो जब एक एक वरदान, एक एक बात सुनते हैं तो दृश्य सामने मंच हो जाता है कि किस प्रकार दादियाँ, दीदी हम लोग के ब्राह्मण बच्चों की पालना करती। तो आज की विशेषता दीदी की, सफल करने और कराने में नंबर वन थी। बड़ी दीदी सफल करने और कराने में नंबर वन थी। दीदी ने अनेकों का तन मन धन सफल कराया। बड़ी दीदी ने अनेक आत्माओं को इतनी प्यार पालना देती थी, और पालना देने के बाद ऐसा कोई ब्राह्मण बच्चा नहीं होता था जो बाबा के प्रति, यज्ञ के प्रति ना करे, ऐसा कभी हमने देखा नहीं। तो ये दीदी की विशेषता थी कि अनेकों का तन मन धन सफल कराया। यज्ञ को कौन संभाल करते, यज्ञ को कौन संभाल सकते हैं। दीदी उसकी जीवन कहानी को सुनकर, परख कर उसे समर्पित कराती थी, और उनके दिल में यज्ञ के प्रति भावना भर देती थी। उनकी बात सुनती थी और उसी रीति से दीदी विशेष समर्पित कराती थी, और उनके अंदर दिल में यज्ञ के प्रति इतनी भावना भरपूर कर देती। ये हमने विशेष बड़ी दीदी की विशेषताएं तो बहुत हैं। हम तो कभी कभी यही अनुभव करते हैं कि जैसे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के स्वरूपों को, गुणों को हम अपने सामने लाते हैं और अनुभव करते हैं कि कितना शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा में हर प्रकार की भरपूरता थी, शक्ति थी, गुण थे। उसी प्रकार हमारी जितनी भी दादियाँ पुरानी, उनमें भी विशेष कुछ ना कुछ बड़े से बड़ी महानता, विशेषता, गुण बाबा ने भरी। कभी कभी सोचे कि सचमुच में भी एक एक दादियों का, उस समय तो इतना कोई साइंस के साधन नहीं थे, अब तो फिर भी साधन हो गए हैं, तो साइंस के साधन के द्वारा फिर भी अभी भी हम सभी दादियों, दीदी की बातें सुनते हैं और महसूस करते हैं कि सचमुच में बाबा मम्मा ने इन दादियों को कितना अटूट प्यार देकर और कितना हिम्मतवान बनाया, कितना शक्तिशाली बनाया, कितना सर्वगुण संपन्न बनाया, कितनी विशेषताएं भरी। एक एक की जीवन गाथा याद करें, स्मृति में लाएं, तो सचमुच में मन अंदर ही अंदर, दिल बहुत प्रफुल्लित हो जाता है कि बाबा ने शुरू में, आदि में अपने आदि रत्नों को कितना भरपूर किया, कितना ना संपूर्ण बनाया, कितना ना परफेक्ट किया। हमने तो बहुत सभी दादियों के साथ अनुभव किया है जीवन में, क्योंकि ज्ञान में तो छोटेपन से आए, और तब तो सभी दादियाँ ही साकार में, और परदादी के साथ मधुबन में आते थे। कभी वो भी बड़े प्रोग्राम के अनुसार दादियाँ कलकत्ते में आती थी,
तो बहुत प्यार से नज़दीक से बड़ों के साथ रहने का, बड़ों से सीखने का ये भी बाबा ने बहुत अच्छा गोल्डन चांस दिया। तो इसलिए आज भी आप सभी को देखकर बहुत खुशी हो रही है कि सचमुच में आप बाबा के बच्चे दूर बैठे कितना ना दिल से बाबा को याद करते हैं। और मैं तो कई बार अनुभव भी करती हूँ, जो दिल की याद होती है वो बाबा तक जरूर पहुँचती है। हम ब्राह्मण बच्चों के आगे भी वो यादें, वो स्मृतियाँ इमर्ज हो जाती है। तो इसलिए 7:30 बजा है अभी, कितने बजे तक क्लास करानी है थोड़ा बताएंगे दीदी? आप और आधा घंटा करा सकते हैं। आप में से आप, क्योंकि आप हमारे साथ पहली बार आई हैं, तो आप हमेशा भोग के लिए काफी लोगों के काफी प्रश्न भी होते हैं, आपके किसी के प्रश्न हैं तो आप, और सब देखिए भोग की थाली लेकर भी बैठे हैं, सबने भोग स्वीकार कराया है। आज विशेष विशेष आपके साथ भोग लगाने का सौभाग्य हुआ है, तो बहुत आत्माएं जो है बाबा के बच्चे जो है सैन फ्रांसिस्को के और अनुभूति के कनेक्शन से हैं। लेकिन सिर्फ दीदी मैं आपको बता इंट्रोड्यूस करा दूं, क्लास में सिर्फ कैलिफोर्निया के नहीं हैं, अमेरिका के सभी जगह से जुड़े हुए हैं, कनाडा से भी जुड़े हुए हैं। तो बाबा के सभी बच्चे जो है वो आज आपको आपका लाभ ले रहे हैं। आपको किसी को क्वेश्चन है? किसी को क्वेश्चन है पूछे, बाकी तो हम फिर भी कुछ ना कुछ सुनाएंगे। किसी को स्पेसिफिक क्वेश्चन है रुक्मिणी? क्योंकि रुक्मिणी दीदी हर गुरुवार को आपका हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं, तो आज हमें अच्छा है रिकॉर्डिंग नहीं सुनना है, लाइव आपको सुनने का मौका मिला है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी मुझे क्वेश्चन है कि आप सूक्ष्म वर्तन में जब भी जाते हैं तो वो इशारों की जो भाषा होती है वो कैसे समझते हैं? यहाँ पे जो यहाँ पे पृथ्वी पर हम लोग जो इशारे समझते वैसे ही होते या डिफरेंट होते हैं? मैं थोड़ा अपना ट्रांस का थोड़ा सा अनुभव आगे से लेती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। हमने ज्ञान तो 1958 से कलकत्ते से लिया, और कलकत्ते में 1964 में मम्मा भी कलकत्ते में आई थी, और साकार बाबा की भी हमने 9-10 साल पालना ली, क्योंकि लौकिक में माताजी ज्ञान में चलती थी, लौकिक पिताजी ज्ञान एकदम विरुद्ध थे, एंटी पार्टी थी। पर बचपन से ही हमें योग बहुत अच्छा लगता था। छोटी थी तो उस समय भी जब भी हम बाबा को याद करने बैठती थी तो मैं उस समय भी घंटा डेढ़ घंटा बाबा की याद में खो जाती थी और अनुभव होता था, पर समझ नहीं सकती थी क्योंकि आयु छोटी थी। तो हम साकार बाबा को अपना दिल का हालचाल, घर की कोई परिस्थिति होती थी, बंधन थे, तो लौकिक बाप के कारण कई समस्याएं बातें आती, तो साकार ब्रह्मा बाबा को पत्र लिखते थे, और साकार बाबा का पत्र का जवाब आने और जाने में 20 दिन लगते, एक सप्ताह जाने में, एक सप्ताह आने में, और 2-3 दिन तो थोड़ा ऐसे 15-20 दिन लगता था। तो बाबा को साकार बाबा को अपना दिल का हालचाल समाचार सब लिखते थे, सुनाते थे। तो एक बार कलकत्ते में प्रदर्शनी लगी थी 1967 में, प्रदर्शनियाँ तो कई बार 64 में,
मम्मा कलकत्ते में आई तब बहुत बड़े रूप से लगी थी। तब साकार बाबा ने सभी दादियाँ सभी बड़े भाइयों को रमेश भाई जगदीश भाई ब्रजमोहन भाई से निर्वैर भाई साहब सबको भेजा था, दादियों को भेजा। 65-67 में प्रदर्शनी लगी थी तो साकार बाबा ने उस समय हमको पत्र लिखा और परदादी को पत्र लिखा कि जो बच्चे जासी पार्टी समझाएंगे बाबा उसको इनाम देगा। तब उस समय मेरी लौकिक आयु 13-14 साल की थी और मैंने स्कूल पढ़ते स्कूल से जाती थी प्रदर्शनी में समझाने के लिए। तो एक वीक प्रदर्शनी चली और प्रदर्शनी में कम से कम एक वीक में 40-50 पार्टी समझाई और साकार बाबा को पत्र लिखा। तो बाबा ने उस समय हमको 1967 में पत्र में लिखा कि ये बच्ची उड़ने वाली उड़न खटोली है। पर बाबा का ये वरदान हम जानते नहीं थे, ये कोई भगवान का वरदान है या आशीर्वाद है, इस चीज़ की हमको कोई ज्ञान नहीं था। क्योंकि हम लोग के समय में ज्ञान को स्पष्ट नहीं करता था, बस बहने बस आत्मा अंगुष्ठाकार है परम धाम लाल है और मुरली क्लास में बिठा देती थी। मुरली में तो हमें कुछ समझ में नहीं आता था पर योग बहुत अच्छा लगता था। तो उस समय जब बाबा ने ये वरदान दिया तो उस बात को तो रख दिया पत्र में, पर जब भी कोई ऐसा अनुभव होता था योग में तो कलकत्ते में परदादी थी और एक संती दादी थी। संती दादी वो थी जो विश्व सुरभाऊ का आप सभी मुरलियों में कभी कभी अभिक्त बाबा याद करते हैं। विश्व सुरभाऊ जो बाबा के लौकिक में बड़े भाई के बेटे थे, बाबा के भतीजे थे। पर यज्ञ में कारोबार करने के लिए विश्व सुरभाऊ निमित्त बने हुए थे। तो ऐसे करके जब विश्व सुरभाऊ और वो भी उन्होंने भी 1960 या 61 में शरीर छोड़ा, उनकी युगल की संती दादी वो बाबा के अंग संग रहती थी मधुबन में, सिंध हैदराबाद में भी रही तो मधुबन में भी। पर जब बाबा अभिक्त हो गए 1969 में, तो अभिक्त होने के बाद बाबा के अभिक्त इशारे के अनुसार संती दादी को कलकत्ता में बाबा ने भेजा कि बच्ची जाओ लौकिक अलौकिक गद्दी की सेवा करो। तो दादी कलकत्ते में रहने लगी तो मेरे को बचपन में जो कभी कभी खींच होती थी तो मैं दादी को सुनाती थी, दादी हमें ऐसे अनुभव होता है कभी कोई हमको खींच रहा है, पर खींच का अनुभव क्या है वो कुछ जानते कुछ भी नहीं, दादी को सुनाती थी। तो इसी प्रकार मेरा 1977 में ट्रांस का पाठ हुआ। किसी का विशेष आत्मा का भोग था तो बाबा दादी ने कहा कि रुक्मणी आप तुम भोग लगाओ। तो मैंने कहा दादी मैं तो भोग लगाती नहीं हूँ, मैं तो ट्रांस में जाती नहीं। पर दादी ने कहा कि नहीं तुम आज भोग लगाओ, बाबा तुमको खींच लेगा। तो पहले आज से 50-60 साल पहले हमने कई संदेशी बहनों को देखा कि वो ट्रांस में जाती थी तो कोई कोई के बहुत आँखों से पानी आता था। यूँ आता था वो ट्रांस में ध्यान में बाबा उनको धर्म राजपुरी किसको विनाश का दृश्य दिखाते थे तो वो बहुत रोती थी। पर मेरी तो लौकिक आयु छोटी होने के कारण मैं डरती थी कि ये ट्रांस क्या है मालूम नहीं और ये इतना रोती है किस लिए रोती है ये तो मालूम नहीं, समझते नहीं थे बच्चे थे। तो मैंने उसके कारण दादी को मना किया और मैं लौकिक में दो भाइयों के बीच एक ही थी और बहुत घर में लौकिक में बहुत लाड़ प्यार से रही तो मेरे को डर लगता था कि ये ट्रांस क्या है, कहीं ट्रांस में जाऊं कहीं मेरा
शरीर छूट जाए या मैं बीच में लटक जाऊं, क्या होगा मालूम नहीं। तो मैं दादी को मना करती थी और दादी ने उस दिन मेरे को कहा कि तुम एकदम निश्चिंत होके निसंकल्प होके बैठना, बाबा तुमको खींच लेगा। तो मैंने भी भोग की थाली रखी और मेरे आजू बाजू में दीदी पर दादी और संती दादी बैठी और मैंने बाबा को कहा कि बाबा अभी मेरी बुद्धि की डोर आपके हाथ में है, अभी आप जैसे खींचो जैसे बुलाओ जो करना करो, मुझे तो मालूम नहीं कैसे जाना है और कैसे जाना कैसे उतरना ये भी तो आना चाहिए। बस बुद्धि को एकदम निश्चिंत किया निसंकल्प किया और बाबा ने हमको पहली बार में खींच लिया और पहली बार में बाबा ने बहुत अच्छा दृश्य दिखाया। फिर कैसे नीचे भेज दिया अपने को पता ही नहीं पड़ा, नीचे आ गए तो दादी ने कहा, संती दादी ने कि अभी तुम बताओ तुमने बाबा को किस रूप में देखा, क्या देखा। तो बाबा ने पहली बार भी बहुत अच्छा दृश्य दिखाया, जो देखा वो सुना दिया। तो इसी प्रकार अब मैं ट्रांस के बाद बात के ऊपर सुनाती हूँ कि जब हम बाबा के पास सूक्ष्म वतन में जाते हैं और बाबा को हम एक लाइट फरिश्ते के रूप में ब्रह्मा बाबा को देखते हैं और उसमें शिव बाबा की लाइट को आते हुए देखते हैं और इमर्ज हो जाती है। फिर बाबा का उस स्वरूप के आगे हम बाबा के सन्मुख को बात सुनाते हैं, जिसकी जो बात होती है जिसकी जो याद होती है। और उस समय वतन में बाबा का मूवी एक्शन चलता है, होठ की भाषा मूवी एक्शन इशारे की भाषा वो चलती है, उसको हमको कैच करना होता है। हम आपको बताएं कि जब मैं 40 साल पहले जाती थी तो कई बार बाबा का संदेश नीचे आते आते आधा सुनाती थी आधा भूल जाती, क्योंकि इतनी कैचिंग पावर नहीं थी, आयु भी छोटी थी तो भूल जाती थी। वो भी मैं क्लास में सुना देती थी कि मैं भूल गई, तो हमारी दादी कहती थी ऐसे नहीं बोला जाता कि मैं भूल गई, ये नहीं बोलो, पर मैं भूल गई तो इसलिए सुना दिया। तो इसी प्रकार जब जाते हैं जिसकी याद होती है और बाबा को उसी रूप में सूक्ष्म रीति से देखते हैं और बाबा के सम्मुख अपने आप को समझते हैं, जैसा समय होता बाबा वो स्वरूप, चाहे मम्मा का या कोई दीदी दादियों का, वो स्वरूप हमारे सामने एकदम इमर्ज हो जाता है और उस रूप से हमें एकदम जैसे कहें मूवी एक्शन मूवी भाषा हमारे सामने इमर्ज होती जाती है। जिसको मैं आपको सुनाऊं कि जिस प्रकार हम लोग ये तो बैठे जागते हम बाबा के पास जाते हैं, पर नींद में हम सोते हैं तो हम सपन देखते हैं, पर वो सपन हम जब नींद आँख खुलती है पर वो भूल जाते हैं। पर ये तो हम जागते बैठे हुए बाबा जो दृश्य दिखाता है जो सीन दिखाता है उसको हम कैच कर लेते हैं, पर हमारे आगे एकदम जैसे कि वो सीन जिस प्रकार सपन में देखते ना, कभी किससे बात करते कोई मकान देखा किसको देखा, तो उसी प्रकार वो तो एक आत्मा अंदर से जागी है पर शरीर सोया है, पर ये तो हम साकार में भी बैठे हैं, आत्मा भी जागती जूत है। तो जैसे कि हमारे आगे वो दृश्य सीन आती जाती है और उस सीन को उस बात को हमें बाबा के इशारों को समझना पड़ता है। ये है मूवी एक्शन मूवी इशारे की भाषा। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा जैसे बाबा ने
कई बार कहा, यदि कोई आत्मा का पार्ट होता है, दिव्य दृष्टि का है, तीसरा नेत्र का कहे, तो ये बाबा हमें कई बार भोग में अनुभव कराता है। और उन भाई बहनों को भी, जैसे कई भाई बहनों की याद होती है, शरीर छूने वालों की भी याद होती है, उनको भी पुराने स्वरूप में बाबा इमर्ज करके उन्हें भोग स्वीकार कराते हैं। उनका वो रूप, कभी किसका कोई संकल्प, कभी कोई किसकी मन की बात, कभी किसका चेहरा, कोई मन में संकल्प चलता है, वो भी एकदम हमारे सामने बाबा इमर्ज कर देता है। हमको सिर्फ बाबा की उस समय उस प्रकार की फीलिंग और उस प्रकार की बात को कैच करना होता, समझना होता। सूक्ष्म कहें, कहें ज्ञान कहें, फिलासफी कहें, ये तो हम लोग को लम्ब होता है। मैं तो अभी भी जब सदगुरुवार के दिन बैठ के कोई संकल्प नहीं करती, सिर्फ जिन भाई बहनों की याद होती है वो जाने से वो याद नहीं रखती। जब जाती हूँ, पहुँचती हूँ बाबा के करीब, तो एकदम से जैसे उन आत्माओं की याद इमर्ज हो जाती है, एकदम अंदर में याद पड़ती है। पर जाने समय हम कुछ भी संकल्प नहीं करते, सिर्फ एक ही संकल्प होता है, बाबा को याद करती हूँ और बाबा के पास जाना है हमें इन आत्माओं का भोग लेकर, इनकी याद लेकर, और बाबा के सन्मुख उनकी याद, उनकी बातें, उनकी स्मृतियाँ हम रखते हैं, और बाबा उसी रीति से उन बातों को समझकर हमें उस बात को बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर देते। आपको आया समझ में उसका उत्तर बहन को? थोड़ा थोड़ा, बड़ा थोड़ा समझ में आया। ओ, इसलिए जी, मेरा क्वेश्चन है, फ्रांस में आप देह से जाते हैं या बुद्धि से? बुद्धि से जाते हैं, देह तो इधर ही है ना, शरीर तो यही रहता है, बुद्धि से जाते हैं, मन के संकल्प से। जैसे हम लोग बाबा को मन बुद्धि से याद करते हैं ना, मन के संकल्पों से याद करते हैं, तो ऐसे हम याद बुद्धि में रखते हैं, और जब ट्रांस में भी जाते हैं तो मन बुद्धि से जाती है। यदि हमारा कहीं भी थोड़ा मन भटकता होगा, किसी की भी याद होगी, तो हम जा नहीं सकते। यहाँ तक कि हमारे शरीर में यदि थोड़ा सा भी, कभी जैसे अभी खांसी आ गई, थोड़ा सा भी शरीर का भान होगा ना हमको, तो हम जा नहीं सकेंगे। इसलिए उस समय हमको अपनी स्थिति बहुत सूक्ष्म हमको बनानी पड़ती है, देह से न्यारेपन की स्थिति हम उस समय बनाते हैं, बस मैं और मेरा बाबा, और कोई तीसरी बात हमारी बुद्धि में, मन चित्त में होती नहीं, बस एक ही संकल्प होता है, बाबा के पास जाना है और बाबा को भोग लगाना है, और जो आत्माओं की याद है वो दिन है, जब जाती हूँ जाने के साथ तब स्मृति में होता है, पर पहले सिर्फ बाबा को याद करते करते, और जब एकदम निर्संकल्प हो जाते हैं, शरीर देह भान से भी हम जैसे कि परे हो जाते हैं, स्थिति एकदम जैसे कि हल्की हो जाती है, तभी बाबा हमको खींच लेता है। उस समय जाने के बाद हमें मालूम नहीं, कभी कभी गीत बसते भी नीचे, पर हमारा उस समय जरा भी ध्यान, जरा भी ख्याल, जरा भी मन नहीं जाता, क्योंकि बाबा जो उस समय हमें दृश्य दिखा रहा है, जो सीन दिखा रहा है, जो बात सुना रहा है, हमारा मन उस समय उस स्थिति में रहता है। यदि मैं जरा भी नीचे की बात उस समय याद करूंगी तो मैं झट नीचे आ जाऊंगी,
पर उस समय बाबा जो सीन दिखा रहा है, जो बात सुना रहा है, उसमें अपने को जैसे रमन, जैसे कभी नींद में बहुत अच्छा सपन देखते हैं तो हमको कभी मालूम नहीं पड़ता है ना, कभी अमृत वेले आँख खुलते, अरे इतना बज गया। तो इसी प्रकार जैसे कि ये तो हम जागते बैठे मन बुद्धि से बाबा के पास जाते हैं और बाबा हमें वो सीन, वो दृश्य दिखा रहा है। जब नीचे आते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि इतना गीत बजा, अभी घड़ी में इतना बजा, बाकी जितना समय रहते उस समय तक हमें कुछ भी स्मृति नीचे की नहीं रहती है कि मेरा शरीर में कुछ हो रहा है या मक्खी मच्छर भी हमको काट रहा तो भी हमको शारीरिक भान नहीं होता। यदि जरा भी शारीरिक भान होगा ना तो हम बाबा की बात को कैच नहीं कर पाए और उस समय भान रहता भी नहीं। जैसे बाबा एकदम अशरीरीपन का अनुभव, अशरीरी शरीर देह भान से भी न्यारेपन की स्थिति बाबा बना देते और उस स्थिति में रहकर बाबा जो दिखाते हैं, जो सुनाते हैं और उस चीज का हम अनुभव करते हैं और फिर जो बाबा दिखाता है वो फिर नीचे आके सुना दे। ओम शांति दीदी। दीदी आप जब भी वहां पे ट्रांस में जाते हैं तो ऐसे कोई भी जा सकता है या गिनी चुनी आत्मा ही जा सकती है? ऐसा है कि मैंने पहले भी सुनाया कि ये भी बाबा का वरदान होता है, ये भी बाबा ने शुरू शुरू में कई बाबा के बच्चों को इस प्रकार एक गॉडली गिफ्ट बाबा देता है, हर एक को नहीं देता है। जैसे बाबा कई बार हम बच्चों को ये सुनाते हैं कि ये भी कईयों को सूक्ष्म माया आ जाती है। भारत में तो इस प्रकार का बहुत चल रहा है, चलता बीच बीच में कोई बहन कहती मेरे में बाबा आ गया, मम्मा आ गई। तो इसलिए हर एक इस बात को सच नहीं मानता और हम आपको बताएं कि मेरे को तो ये साकार बाबा ने 1967 में वरदान दिया, 1977 में वरदान साकार हुआ और इस वरदान के कारण हमारी जानकी दादी और गुलजार दादी ने, कल मैं अपनी पुरानी डायरी देख रही थी तो मेरे को गुलजार दादी जी ने जो बात कही वो मैं याद कर रही थी कि हमारी परदादी 2013 में 15 मार्च को अवित हुए, पर मेरे को 2012 में दिसंबर का मास था, 12 तारीख थी, 12 महीना था और 2012 में मेरे को गुलजार दादी और जानकी दादी ने दोनों एक जैसी बात कही, मैंने अपनी डायरी में नोट करके रखी है। आपको मधुबन में रहना है, मधुबन की संदेशी बनकर, तब परदादी थी। तो मैं मन में सोचने लगी कि आज ऐसे दोनों दादियों के पास मिलने जाती थी और दादी का समाचार सुनाने के लिए, तो उस दिन दोनों दादियों ने हमें एक जैसे ही वरदान दिया और कहा, तो मेरे को मन में आया कि दोनों दादियां मेरे को आज एक ही जैसी बात क्यों सुना रही, पर हमें भी मालूम नहीं। और हम आपको बताएं कि सचमुच में बाबा का वरदान, दादियों का वरदान, जब परदादी गए तो दोनों दादियों ने हमें उसी वरदान के साथ कहा कि आपको कलकत्ता नहीं जाना, क्योंकि मैं जीवन के 50 साल लौकिक अलौकिक परिवार, दैवी परिवार भी कलकत्ते में था और इतने साल वहाँ रही। अभी दोनों दादियाँ कहती हैं कि आपको कलकत्ते नहीं जाना है। तो ये भी मुझे ऐसे अनुभव होता है कि देखो हमें ये मालूम नहीं होता है कि
मेरा आगे का पाठ, मेरा आगे का भाग्य किस प्रकार है। मैं तो अनुभव करती हूँ बाबा को, हमारी दादियों को फिर भी मालूम है। मालूम था तो बाबा ने और दादियों ने, दोनों दादियों ने एक समान, एक जैसा एक दिन में मुझे वरदान दिया कि आपको कुछ भी हो गए। और दादी के जाने के बाद दादी ने, दोनों दादियों ने कहा आपको जाना नहीं है कलकत्ता। तो मेरे को तो सच्ची पूछा जाए, एक क्षण, एक पल, एक सेकंड भी ऐसा संकल्प नहीं मन में आया चला कि कहाँ, मैं जीवन के 50 साल कलकत्ते में रही और दोनों दादियाँ कहती कलकत्ता नहीं जाना। मेरा एक सेकंड भी संकल्प नहीं चला, क्योंकि शुरू से मेरे को बचपन से बाबा में और दादियों में बड़ा विश्वास था, बहुत निश्चय था कि दादियाँ जो कहेंगी, बाबा मम्मा तो कहते थे, पर जो दादियाँ कहेंगी मेरे कल्याण अर्थ, क्योंकि उनको मेरी जन्म पत्री, मेरी श्रीमत का मालूम है। और हम सचमुच में उसी हिसाब से शुरू से बचपन से मैं अभी तक भी चलती रही, उसी लक्ष्य लेकर के चलती हूँ। मेरे को याद है कि 1982 में जब मनमोहिनी दीदी थी, पांडव भवन की बात है, तो ऐसी दादियों की मीटिंग थी और हम थोड़ा अपनी सखी सहेलियों के साथ नक्की ले चले गए पांडव भवन में। तो सामने बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी को देख के एक सेकंड तो रुक गई। बड़ी दीदी ने बुलाकर हमको कहा, पूछा तुम कहाँ गई थी। तो मैंने बोला दीदी कि मैं नक्की तरफ थोड़ा घूमने गई। तो बड़ी दीदी ने हमको कहा किसको पूछ के गई। तो हमने बोला हम अपनी बड़ी दीदी को, ऊपर दादी को भूल के गए। तो दीदी ने मेरे को, उस समय 1982 की बात है, दीदी ने कहा आज गई तो गई, पर आज के बाद कभी भी मधुबन में दीदी और दादी है, एक आसमणी दादी भी, दीदी दादी को बगैर बोले कहीं भी जाने का नहीं। हमने उस दिन से आज दिन तक ये मन में गांठ बांध ली है। मैं अभी भी पांडव भवन ज्ञान सरोवर भोग लगाने जाती हूँ तो भी, अभी रतनमयी दादी है तो भी उनको बोल के, बड़ों को बता के तभी जाती। तो ऐसा शुरू से मन में लक्ष्य रखा है कि मैं जो कुछ भी करूँगी या मुझे करना है, हम बड़ों की आज्ञा मानकर, बड़ों की श्रीमत मानकर चलते हैं, उसमें हमारा ही कल्याण है, उसमें मेरी अपनी भलाई है। तो इस प्रकार जैसे कि बाबा ने एक ट्रांस का एक वरदान, ये भी कोई कोई आत्माओं का पाठ होता है, हर एक आत्मा का नहीं होता है। और अभी तो बाबा ने पाठ बहुत कम कर दिया है, उस प्रकार कोई बात मानता भी नहीं है और विश्वास भी नहीं करता है। और हम तो अपने आप को यही समझते कि बाबा का ये वरदान मिला हुआ है और वो वरदान बाबा का साकार में ब्राह्मण बच्चों की पालना भी बाबा अपने बच्चों की करा रहे हैं। हाँ, अभी और कुछ का प्रश्न है कुछ? दीदी मेरे को पूछना था कि अव्यक्त रूप में बाबा पालना देते आए हैं और दे रहे हैं, ये सभी अनुभव करते हैं और हम भी करते हैं, पर उनके बाबा के जो इशारे हैं, जैसे वो सूक्ष्म होते हैं, वो बुद्धि से रूप में होते हैं, या तो किसी संकल्प रूप में होते हैं, या कोई चित्र बाबा
बताते हैं, तो हमें ये प्रश्न आता है कि हम उसे यथार्थ रूप में कैसे कैच करें उन इशारों को, क्योंकि कई बार मन में ये प्रश्न आता है कि ये संकल्प मेरा है या ये संकल्प बाबा का है, तो इस पे आप बताएंगे? जी जरूर। देखिए, हमने तो साकार बाबा की भी, जब बाबा साकार में थे तब तक भी मुरली सुनी है, और अभी तो बाबा की भी 69 से मुरलियाँ सुन रहे हैं। तो अनुभव यही कहता है कि साकार में भी बाबा ने हम बच्चों की बड़ी सूक्ष्म पालना की। जिस प्रकार हमने आँखों से देखा कि जैसे ब्रह्मा बाबा अवित हुए, साकार में इतने बच्चे नहीं थे, बाबा के समय भी 50-60 बच्चे थे, और जैसे ब्रह्मा बाबा अवित हुए, अवित होने के साथ बाबा ने सूक्ष्म रीति से जो सेवाएं भारत में जब विदेश में की, और वो सेवा बढ़ाई, वो भी हमने प्रैक्टिकल देखा। और अभिक्त रूप में भी हम देखते हैं, अभी भी आप सभी रिवाइज कोर्स की हम सभी मुरली सुन रहे हैं, अभी भी हमको ऐसे लगता है जब हम उसी रूप में उसी स्थिति में बैठकर बाबा की अभिक्त मुरली सुनते हैं, तो ऐसे लगता है कि सचमुच में बाबा ने हम बच्चों को ये बात सुनाई है मुझ आत्मा के प्रति। क्योंकि हम बाबा के बच्चों को सारी बात तो याद नहीं रहती है, समय फिर समय याद आती है, तो साकार बाबा ने भी अपने बच्चों को साकार रूप से भी वह पालना दी, और वह भी मुरली के माध्यम से पालना मिल रही है, और अव्यक्त रूप से भी जो हम बाबा की मुरलियाँ सुन रहे हैं, तो बाबा का वो अव्यक्ति पाठ, अव्यक्ति रूप अभी भी जैसे कि आँखों के सामने हम इमर्ज करें तो एकदम सामने आ जाता है, क्योंकि हमको वैसी स्थिति बनानी है। अभी हम जैसे कहें मधुबन में बाबा के घर में पिछले मार्च है समय से 24-25 मार्च से बाबा के अमृत वेले से लेके 3:30 बजे से लेके दिन में 1 बजे तक बाबा की याद की कमेंट्री और अवित्ति बाबा के बोल, और दिन शाम को फिर 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक बीच बीच में गीत और बाबा की याद की कमेंट्री, अब वो चलती है। तो हमें ऑटोमेटिकली, अभी आप कहेंगे गुंजा दादी का भी पाठ हुई, दादी भी गई, पर अभी हम उस रीति से अनुभव करते हैं जिस प्रकार साकार में बाबा ने, अभिक्त बाबा ने दादी के तन द्वारा हम बच्चों की पालना की ना, तो अभी हम हमारे सामने जो अभिक्त बोल आते हैं, मैं देखती हूँ मोबाइल में भी दादी का दृष्टि देते हुए बाप दादा का वो स्वरूप आता है, तो हम उस स्वरूप में स्थित होते हैं ना, स्थित रहने का वो अभ्यास करते हैं ना, या मन से सोचते हैं दादी तो चली गई, बाबा चला गया, ऐसे मन में कभी आता है? ऐसे कभी नहीं आता। हम बच्चों के साथ बाबा अभिक्त रूप से भी है, अभिक्त पालना भी दे रहा है, अभी दादी का भी तन नहीं है, अभिक्त रूप से भी बाबा वो पालना दादियों के द्वारा, मम्मा के द्वारा वो सूक्ष्म पालना हम सभी की कर रहा है, पर उसके लिए हम बाबा के बच्चों को इतनी बुद्धि की लाइन, इतनी बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए जो हम बाबा की बात को समझ सके, उसको कैच कर सके। यदि हमारे अंदर वो कैचिंग पावर नहीं होगी, वो हम समझने की शक्ति नहीं होगी, तो बाबा की बात को हम कैच नहीं कर पाएंगे, फिर फॉलो नहीं कर पाएंगे।
इसलिए हम लोगों को अवित बाबा के बोल, मैं तो देखती हूँ कि पुरानी मुरलियाँ भी दो तीन वीक पहले भी बाबा ने ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी के ऊपर बाबा की मुरली थी, बाबा की बातें शुभ बाबा ने सुनाई अवित बाबा ने। तो अभी जब हम याद करते स्मृति में लाते हैं उस स्वरूप में लाते हैं तो हमारी स्टेज क्या बन जाती है, वो हमको लाना पड़ता है, सुनते सुनते हमको उस स्वरूप का अनुभव करना है, वो स्थिति ऐसी बनानी है। अब समय कैसा है, समय के अनुसार तो स्थिति बनानी है ना बाबा, इस चीज का हम बच्चों को अभ्यास कराए। तो हम देखते मधुर में जो बीच बीच में 15 मिनट के बाद बाबा का गीत बजता है, 15 मिनट के बाद कम्युनिटी चलती है अभी बाबा के मावा की, तो सुनते सुनते वो अवस्था वो स्वरूप हम बच्चों को बनाना है। इसलिए हम तो भारत में भी जहाँ भी क्लास कराते हैं उनको यही कहते हैं, भले आप लोग सेंटर पर नहीं आ रहे हो, आप लोग भी इस चीज़ का अभ्यास करते ही होंगे दूर बैठे भी, कि आप अपने घरों में हैं सेंटर्स पर हैं और आप बाबा का गीत बजाओ, कमेंट्री चलाओ, उससे क्या होता हमारी बुद्धि हमारा मन ऑटोमेटिकली बाबा की तरफ लग जाता है, लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा ने इतना सहज करके हम बच्चों को सुनाया समझाया है, पर उस स्थिति का हमें अनुभव करना, इसके ऊपर मैं अभी अगले मैं समझती हूँ 11 तारीख जून का गुलजार दादी का संदेश याद आ रहा मेरे को, बाबा ने बड़ा अच्छा संदेश दिया था कि बाबा ने कहा कि देखो बाबा ने साकार रूप से हम सभी की पालना की, भले उस समय थोड़े बच्चे थे पर फिर भी जो नए बच्चे आए तो बाबा ने मुरली के द्वारा बच्चों की पालना की। उसके बाद बाबा ने 50 साल एक दो साल कम कहे, अभी तो बाबा ने बच्चों की पालना की। उस पालना का कईयों ने अनुभव किया। अब ये जो बीच का समय चल रहा कोरोना काल, बाबा ने साकार रूप से भी पढ़ाया, अभिक्त रूप से भी पढ़ा रहा है, पढ़ाया भी था, पर अभी जो समय चल रहा है ना, अब जैसे कि दुनिया में बच्चों की पढ़ाई करते हैं 3 मास 6 मास 8 मास के बाद परीक्षा लेते हैं, पर परीक्षा लेने के पहले बच्चों की क्या थोड़े समय का गैप रखते हैं कि बच्चे पढ़ाई पढ़ेंगे स्टडी करेंगे तब परीक्षा देंगे। तो ऐसे लगता कि जब ये समय स्थिति आई है इसमें भी बाबा ने अवित बाबा कहो साकार बाबा की बातें हम सभी को परिपक्व बनाकर उस स्थिति का अनुभव कराने के लिए ये कोरोना काल आया, क्योंकि आने वाले समय में हम बाबा के बच्चे अपनी स्थिति के अनुसार उस परीक्षा में हम पास हो सकते। इस समय हम बच्चों को बाबा ने दिया है, क्योंकि कई बातों में हम बच्चे अलबेले हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, थोड़ा आलस सूक्ष्म आ जाता है, तो ऐसी समय ऐसी परीक्षा जो दुनिया के आगे हम ब्राह्मण बच्चों के भी आगे आई है, तो बाबा ने उस दिन इशारा दिया कि समय चल रहा हम बच्चों को अपनी मजबूती अपनी अवस्था बनाने के लिए परिपक्व बनाने के लिए, जो आने वाले समय में कोई भी ऐसी बात आए ऐसी घटना आए ऐसी परिस्थिति आए हम बच्चे उसमें पास हो सके। इसलिए बाबा की मुरलियाँ हम सभी के लिए विशेष माध्यम है, बहुत मजबूती बना। इसलिए बाबा की मुरली को आप सभी अभिक्त मुरली हो चाहे साकार मुरली को 2-3 बार पढ़ेंगे अपने आप में, भले सुनते भी हैं पर अपने आप से हम जब पढ़ते हैं ना बाबा की बातें हमारे दिल में हमारे दिमाग में हमारी बुद्धि में घुसती है कि बाबा ने इस बात को किस रूप से
किस आधार से हमें समझाया है। मैं तो अभी भी चाहे अभिक्त मुरली हो चाहे साकार मुरली हो सुनाती हूँ बीके कॉलोनी वालों को, पढ़ती भी हूँ दो तीन बार जब टाइम थोड़ा भी मिलता है। बाबा की मुरली सुनकर पढ़कर इतना जैसे कि लगता है कि बाबा कितना हम बच्चों को भरपूर कर रहा है। तो इसलिए हम बाबा के बच्चों को बाबा के मूल्यों के द्वारा ही सूक्ष्म इशारे समझने चाहिए, कैचिंग करने चाहिए कि बाबा का इशारा मुझ आत्मा के प्रति इस समय क्या है और मुझे क्या करना है। ठीक है शांति दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो अगर आप बोलते रहेंगे हम बस सुनते ही रहेंगे। कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिनको याद करे, सारा जग जिनको याद करे, वे प्यार हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं बाबा कितने सबसे महान। संसार आपके हाथों में, पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में। मुझसे आगे हो तुम बच्चों, मुझसे आगे हो तुम बच्चों, कह कर के भरते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं बाबा कितने निरहंकारी। बेहद सेवा अब भी करते बाबा है आपकी बलिहारी, कहते हैं आप मैं बच्चों का आज्ञाकारी सेवाधारी। सब काम आप खुद करते हैं, सब काम आप खुद करते हैं और मान हमारा रखते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं बाबा कितने निरहंकारी। सिंधु बाबा दिल में जो हमें समा लेते, शिक्षा देते शक्ति देते, गुण ज्ञान खजाने भर देते। निष्काम आपकी सेवाएं, निष्काम आपकी सेवाएं उपहार
बाबा कितने